सो जो 13.2 एक्सरसाइज है उसको फिनिश करते हैं. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम. वेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इन टू द वेसल. 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट. फाइंड नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. So this is what is given in this. This is question number 5th of exercise 13.2. पहले तो एक inverted cone है, ये vessel है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसका height है 8 सेंटीमीटर, इसका radius है 5 सेंटीमीटर. तो पहले इसका volume निकालते हैं. Volume is 1/3 pi r square into h. और यहाँ पे बहुत सारे lead shots है, हमको वही निकालना है कि कितने lead shots हैं such that ये सारे के सारे जब इसमें डिप किए गए, इसमें फेंक दिए गए, तो इसमें से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम बाहर फ्लो हो गया. ये जो वॉल्यूम था इसका 1/4 बाहर निकल गया. हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इन सब लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकालते हैं. एक्स लेड शॉट्स है इनटू एक लेड शॉट का वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. ये वॉल्यूम है टोटल लेड शॉट्स का. सो वी एल टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स. तो जब इनको इसमें डिप किया गया तो बहुत सारे जब ये डिप किए गए तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम बाहर निकल गया. तो कंसेप्ट क्या होता है कि जितना टोटल वॉल्यूम इन लेड शॉट्स का था उतना ही वॉल्यूम बाहर पड़ता है, उतना ही वॉल्यूम बाहर गिर जाएगा. तो ये जो लेड शॉट्स का वॉल्यूम है ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/4 वी. और v का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. तो x इंटू 4/3 पाए 0.5 क्यूब इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ टोटल कोनिकल वेसल. 1/3 पाए 5 स्क्वायर इंटू 8. यहाँ से हमको कैलकुलेशंस लगानी होंगी. तो पाए कैंसिल आउट होगा. यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो रहा है. देखो यहाँ पे ऊपर है 5 स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय है 4. एक्स हमको निकालना है तो ये 4 नीचे चला जाएगा, 0.5 क्यूब नीचे चला जाएगा. सो विल हैव सच एन एक्सप्रेशन विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू नाउ 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4. तो ऊपर 5 स्क्वायर बचा, नीचे 2 है और यहाँ पे 0.5 क्यूब, 0.5 विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉट 2 इंटू 0.5 1 होता है, यहाँ पे आएगा 0.5 इंटू 0.5. सो नाउ फाइनली इट इज़ 5 इंटू 5 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 विच इज़ इक्वल टू, अब हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 50 अपॉन 5, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर 50 अपॉन 5 आएगा. सो दिस इज़ 10 इंटू 10 इज़ 100. सो देर आर 100 लेड शॉट्स. ऐसे 100 बॉल्स थे जिनको अगर आप इसमें ड्रॉप करो तो 1/4 वॉल्यूम बाहर पड़ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम्स ऑफ मास. सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा. एक सिलेंड्रिकल पोल है जिसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर और फिर इसका हाइट है 220 सेंटीमीटर. उसके ऊपर एक और आयरन पोल है सरमाउंटेड है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और इसका हाइट 60 सेंटीमीटर है. हमको इसका टोटल वॉल्यूम निकालना होगा, वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. फिर उसको वेट में बताना होगा कि इसका टोटल जो वेट है वो कितना होगा. तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच प्लस नीचे वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच. इसका डायमीटर 24 है तो रेडियस होगा 24/2 तो पाई आर स्क्वायर एच, एच है 220. तो ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा टोटल इसका वॉल्यूम और इसका जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब. अब एक सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम्स होता है तो इसका टोटल वेट कितना होगा, पाई 8 स्क्वायर इंटू 60. पाई हमने मान लो कॉमन निकाल दिया प्लस यहाँ पे आएगा 12 स्क्वायर इंटू 220.
और ये सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 8 ग्राम्स, तो इधर हम लोग इंटू 8 कर देंगे, तो हमको ये जो वेट है वो ग्राम्स में मिल जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 पुट अप करेंगे, 8 8 जो 64, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो हम लोग बाहर यहाँ पे 8 के साथ लगा देंगे तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 64 × 6 प्लस 12² इज़ 144 × 22, यहाँ पे 80 आ जाएगा, दिस इज़ इन ग्राम्स। पहले तो हमने यहाँ पे जो पाए है वो कॉमन निकाला, यहाँ पे भी पाए, यहाँ पे भी पाए, पाए का वैल्यू 3.14 पुट किया, ये 10 10 बाहर निकाल दिया। एंड अब इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 3.14 × 384 प्लस 22 × 144, दिस इज 3168 × 80, विच इज़, अब 3.14 × 80 वो मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ 251.2, और इन दोनों को अगर आप ऐड करके देखो दिस इज़ 3552। एंड फाइनली जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 8922622.4। ये कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रहा, ये आप करके देखना। एंड दिस इज़ इन ग्राम्स, तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो 3 डेसिमल्स यहाँ पे शिफ्ट करने होंगे, तो आंसर इज़ 892.26 किलोग्राम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायग्राम है वो ऐसे दिखेगा, एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, कोन है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है बट कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रखा गया एक सिलेंडर के अंदर, ये बाहर का जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो टोटल हाइट है वो 180 सेंटीमीटर दी हुई है, सिलेंडर का जो रेडियस है अगेन 60 सेंटीमीटर है। तो आप ये देखो, ये जो रेडियस है ये 60 सेंटीमीटर है, ये 60 और ये 120, टोटल 180 होता है देखो, तो इसका मतलब कट टू कट ऐसा डायग्राम दिखेगा, ये जो कोन का टिप है वो सिलेंडर को बिल्कुल ऊपर की तरफ टच करेगा। अब क्या है कि सिलेंडर पहले पूरा पानी से भरा हुआ था, आपने जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये कोन और हेमिस्फीयर वाला जो जॉइंट ऑब्जेक्ट है फेंका इसके अंदर, इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, तो कितना पानी बचा हुआ है वो हमको निकालना है, तो बचा हुआ वाटर का जो वॉल्यूम है वो अपने को इसमें निकालना है, तो पानी जो बचा हुआ है वो ऐसे दिखेगा। दिस हाउ इट विल लुक, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, पहले पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बाहर के सिलेंडर का, पाए आर स्क्वायर इंटू एच, उसमें से फिर आप सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है इतना ही वॉल्यूम, ये जो कोन और स्फीयर का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिख रहा है इतना ही वॉल्यूम बाहर निकल चुका है, तो बचा हुआ वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट करो कोन का वॉल्यूम, सब्ट्रैक्ट करो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 πr² × h, और फिर सब्ट्रैक्ट करो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³, रेडियस है 60, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वाटर का जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो इतना है। अब आप यहाँ से क्या देख सकते हो, पाए और 60² बाहर निकल रहा है, यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे 180 बचेगा, माइनस पाए इंटू 60² बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 120/3 बचेगा, यहाँ पे पाए इंटू 60² बाहर निकाला तो 60 × 2/3 बचेगा, तो ये टर्म्स बच गए। सो लेट अस कैलकुलेट दिस नाउ, पाए इंटू 60², दिस इज़ 180 माइनस 40 माइनस 40, तो पाए इंटू 60² यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 80, यहाँ पे 100 आ जाएगा, सो दिस इज़ 3.14 × 3600 × 100, सो विच इज़ इक्वल टू 314 × 3600।
तो इसका जो प्रोडक्ट है अगर आप निकाल के देखो, इट इज़ 113,0400। नाउ दिस इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? सी, 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब चाहिए ना, तो आप दोनों को क्यूब कर दो। 1 मीटर क्यूब इज़ 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? 1/10^6 मीटर क्यूब। तो वही हम लोग करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसको हम लोग लिखेंगे 1/10^6 मीटर क्यूब। और 10^6 का मीनिंग क्या है? ये डेसिमल पॉइंट आप 6 यूनिट से 6 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1.13 मीटर क्यूब। लास्ट इज, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स। ओके, पाई का वैल्यू 3.14। तो इसका डायग्राम ऐसे दिखेगा। तो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। इसका डायमीटर 8.5 है, तो रेडियस 8.5/2 होगा। और फिर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इट इज़ πr² स्क्वेयर। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। πr² इंटू एच, एच इज़ 8। और अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको इसका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, पाई कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे का 8 + 4/3 8.5/2 द होल क्यूब। सो पाई, अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन निकल रहा है, 4 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 2 + 1/3 इंटू 8.5 × 8.5 × 8.5/8। ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू, तो 4π यहाँ पे आएगा 2 + 8.5³, इट इज़ 614.125 डिवाइडेड बाय 3/8 = 24, विच इज़ इक्वल टू 4π 2+। अगर आप इनको डिवाइड कर दो, दिस इज़ 25.6 अप्रॉक्सीमेटली। एंड इसको अगर आप ऐड करो तो 4 × 3.14 × 27.6, विच इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 346.65। नाउ दिस इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब, और जो स्टूडेंट ने निकाला दैट इज़ 345। सो देर इज़ अ बिग एरर, फाइन। सो करेक्ट आंसर ये है, एंड जो स्टूडेंट का आंसर है इट इज़ रॉन्ग, स्टूडेंट आंसर इज़ नॉट करेक्ट।